एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर 22/7। आर इसमें क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr। ठीक है, ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। बी क्या है, बेस ऑफ द ट्रायंगल, और एच क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि ये ट्रायंगल है तो ये उसका ये बेस है और हाइट ये। अगर हमें बी और एच की वैल्यू पता है तो हम इस ट्रायंगल का एरिया पता लगा सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो। तो मान लीजिए तीनों साइड ए है ए है ए है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर की साइड ए है तो एरिया निकालेंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर, और अगर पेरीमीटर निकालना है तो किसके बराबर होता है, 4a। चारों साइड को जोड़ देंगे a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना हो गया, 4a हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ को ब्रेड से गुणा कर दिया तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और पेरीमीटर निकालना तो कैसे निकालेंगे, l प्लस l 2l हो गया, b प्लस b 2b हो गया, तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, 2l प्लस b ब्रैकेट में, ये पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हो गया। थैंक यू, टेक केयर।